adjustment number 4, depreciation. डेप्रीशिएशन सर, डेप्रीशिएशन कितनी जगह हो सकता है? ये भी दो जगह देखने को मिल सकता है, या हो सकता है ट्रायल बैलेंस में, और या फिर आपको मिल सकता है कहाँ, एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में मिल सकता है। ट्रायल बैलेंस में हुआ तो सिंबल चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, बस डबल एंट्री होनी नहीं है। लेकिन अगर हुआ एडजस्टमेंट में तो दो जगह है, एक हो जाएगा हमारा लेस फ्रॉम, पहले लेस फ्रॉम एसेट, जिस एसेट्स के ऊपर होगा उसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और एक हो जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऐड नहीं होगा बेसिकली, अलग नाम से आ जाएगा, न्यू नेम से आ जाएगा विद नेम। जैसे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है तो डैप ऑन फर्नीचर, बिल्डिंग है तो डैप ऑन बिल्डिंग, लाइक इस तरीके से। इसके अंदर एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी होता है, उसको हम बाद में कवर करेंगे, पहले सिंपल डेप्रिसिएशन है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर कौन सा था, ये 4 के बाद आ जाइए 5 पे, बेड डेट्स। अगर हम बेड डेट्स की बात करें तो बेड डेट्स भी दो जगह हो सकता है। जब इतने सारी चीजें दो जगह चल रही हो तो डेफिनेटली ये भी दो जगह होगा। कहाँ कहाँ दो जगह हो सकता है? एक हो सकता है, दूसरा हो सकता है कहाँ पे, एडजस्टमेंट में। अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो कितनी एंट्री, एक, और वो चला जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में हुआ, सॉरी एडजस्टमेंट में हुआ तो दो एंट्री। कहाँ कहाँ जाएगा सर? एक हो जाएगा लेस फ्रॉम डेटर, और डेटर कहाँ मिलेगा हमें, बैलेंस शीट के एसेट्स में, और दूसरा आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। नाउ चेक करिए क्लियर है। आपका कौन सा पॉइंट नहीं हुआ था बता दीजिए यहाँ पे, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। पॉइंट नंबर कौन सा नहीं हो पाया, 6 पॉइंट कर लिया, 6 में से कौन सा नहीं हो पाया। छह पॉइंट मैंने करवाए, 6 में से किस में वॉइस नहीं आई फिर मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, आप बता दीजिएगा। देखो 6 पॉइंट में वॉइस नहीं आई थी, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। 5 पॉइंट में क्या है, बेड डेट्स ट्रायल में गिवन है तो P&L के डेबिट, एडजस्टमेंट में गिवन है तो लेस फ्रॉम डेटर एसेट्स में और P&L के डेबिट में जाएगा। लेकिन ये क्या है हमारा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेटर का ही पार्ट है। तो इसको हम अगली क्लास के अंदर कवर करेंगे कि एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है। जैसे 6 कर लिए, अगली क्लास में मैक्सिमम एडजस्टमेंट कवर अप कर लेंगे और थोड़ी लंबी क्लास भी लेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में ट्रायल बैलेंस में होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। मेन पॉइंट ये है कि अगर ट्रायल बैलेंस में हुआ तो आपको लिखना है सर प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, लेकिन वही इधर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा था, ठीक है ना। क्यों होता है इसका वजह भी मैं बताऊंगा। एडजस्टमेंट में हुआ तो लेस फ्रॉम डेटर और ये P&L के डेबिट में, यानी एडजस्टमेंट दोनों का, बेड डेट्स का भी और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का भी सेम ही है, लेकिन ट्रायल वाला ये क्रेडिट में चला जाता है, वो कहाँ चला जाता है हमारा, डेबिट में। तो बस एक ये पॉइंट रह गया था जिसमें वॉइस नहीं था, तो वही मैंने क्लियर कर दिया आपको।